मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, उससे आपको सारे नोटिफिकेशन तो मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। घोषित कर दी गई है तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा झारखंड के 10वीं के जो परीक्षा का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने आज 8 जुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। इसके साथ ही झारखंड बोर्ड के 10वीं की परीक्षा देने वाले 3,87,000 छात्र छात्राओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। हालांकि रिजल्ट जारी होते ही आधिकारिक वेबसाइट हैंग हो गया। झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट में 75.0% स्टूडेंट यहां पे पास किए हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक 3,85,144 स्टूडेंट ने झारखंड बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें से 2,88,928 बच्चे पास हुए हैं। खास बात यह है कि पिछली बार की तरह इस बार भी लड़कों की पासिंग परसेंटेज अच्छी रही है। झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 2020 में लड़कों का रिजल्ट 75.88% और लड़की का रिजल्ट 74.25% रहा है। झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जो वेबसाइट पे आपको ले जाएंगे वो थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे कि क्या क्या वेबसाइट है, तो आपको बने रहिएगा। उसके सारे वेबसाइट के बारे में बताएंगे और क्या कैसे आपको रिजल्ट देखना है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके पहले आप लोग को आधिकारिक वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। 10वीं के रिजल्ट पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें, रोल नंबर, बाकी सब डिटेल्स आप लोग पास रखिएगा। तुरंत आप लोग का रिजल्ट जो होगा और जो 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 बच्चे पास करेंगे उसको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और जो बच्चे अगर फेल किए हैं तो उनको मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप लोग जीवन में संघर्ष करते रहिए। अभी एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपको ये जीवन खत्म कर देगा। चलिए आप लोग को बताते हैं कि कब हुआ था ये एग्जाम। बता दें कि जो झारखंड बोर्ड का एग्जाम हुआ था इसी साल 11 से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी। नतीजे मई महीने में घोषित किए जाने थे, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हो पाई। बता दें कि 2019 में 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों को पास करने वाले जो प्रतिशत थे 70% था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि लड़कों का प्रदर्शन लड़कियों के मुकाबले बेहतर था। लड़कों का पासिंग परसेंटेज 73% था, जबकि पिछले साल लड़कियों का परसेंटेज जो पासिंग फीसदी था वो 88.67% था। चलिए हम लोग अब चलते हैं बिना समय गवाए हुए, हम लोग जो साइट है और झारखंड बोर्ड का रिजल्ट पे हम कैसे उसका चेक करेंगे वहाँ पे हम लोग चले आते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हुए हम लोग आपका रिजल्ट चेक कर, आप कोई भी अपने ब्राउजर पे चले आइए, कोई भी अपने साइट पे चले आइए, या लैपटॉप पे हैं तो आप मोजिला फायरफॉक्स भी यूज कर सकते हैं, अगर मोबाइल पे हैं तो गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल पे हैं तो अपना हम गूगल क्रोम खोल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को JAC रिजल्ट जो कि आपको सर्च करना है, JAC रिजल्ट्स, इसको आप जैसे ही सर्च करते हैं दोस्तों देखिए आपको इंटरफेस कैसे, इसको सर्च कर लीजिए, देखिए तो देखिए क्या खुल रहा है। जैसे ही खुलेगा दोस्तों उसके नीचे चले आइएगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पे नीचे चले आए हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए हम लोग सर्च किए थे JAC रिजल्ट, जैसे देखिए यहाँ पे JAC रिजल्ट सर्च किए थे और गूगल पे सर्च किए, उसके बाद आप नीचे चले आइए, नीचे में सबसे इंटरफेस आपको ये मिलेगा, देखिएगा। देखिए यही है मेन, एक उस जो गवर्नमेंट का मेन ऑफिशियल अकाउंट है यहीं पे आपको रिजल्ट शो करने के लिए मिलेगा। और भी बहुत साइट है लेकिन आपको ये गवर्नमेंट का साइट है जिसमें आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग इस इंटरफेस पे क्लिक कीजिए, इस इंटरफेस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिएगा आपको इंटरफेस इस तरह से खुलने के लिए मिलेगा। देखिए हम क्लिक करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग ये 2020 का रिजल्ट का इंटरफेस है, अभी तो साइट थोड़ा सा ब्लॉकिंग चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग आपको एक सैंपल की तरह दिखा रहे हैं कि ऐसे साइट खुलता है, तो यहाँ पे आप लोग को ऐसे ऐसे देखना है रिजल्ट। तो यहाँ पे आप जैसे ही वहाँ JAC रिजल्ट.net जो JAC रिजल्ट.com पे आप लोग जैसे ही वहाँ पे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से आप लोग का इंटरफेस आएगा जिससे आप लोग को रोल कोड और रोल नंबर आप लोग को ये फिलअप करना है, जो आपका रोल कोड है और रोल नंबर, रोल कोड रोल नंबर जैसे ही आप फिलअप करते हैं दोस्तों
तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपका रिजल्ट शो हो गया, आप अगर दूसरा का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा रीसेट बटन दिया हुआ है। तो इसी के साथ अगर जो छात्र हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो देखने के बाद अगर उनका रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव मिला है, मतलब वो पास कर रहे हैं, तो उनको मैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और उनके सफलता के लिए मैं धन्यवाद उनको बधाई देना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, यहीं इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।